नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सोमवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सदन में लगे स्क्रीन पर अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब नाराज हुए। अल्पसूचित प्रश्नों के सवाल जवाब के दौरान अचानक मुख्यमंत्री सदन में खड़े हो गए और सभापति का ध्यान सामने लगे स्क्रीन की ओर दिलाया और कहा, ऑनरेबल स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या चलवा रहे हैं? माननीय लिखवाइए, हिंदी को एकदम खत्म ही करवा दीजिएगा क्या? बंद करवाइए ये सब, सबको हिंदी में करवाइए। विदेशी महिला से दुष्कर्म के आरोपित आध्यात्मिक गुरु को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपित आध्यात्मिक गुरु ने आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया है कि महिला ने उसके साथ प्रयागराज, बनारस और गया सहित कई जगहों पर स्वतंत्र रूप से यात्रा की थी और उनके बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे। न्यायमूर्ति अनूप जय राम भंभानी ने कहा है कि वह आरोपी याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए राजी नहीं है और उन्होंने कहा है कि केवल इसलिए कि पीड़िता ने उनके साथ रहने के लिए सहमति दी या यौन शोषण के लिए उनकी सहमति का अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर देखते हुए कहा है कि न इन्हें प्रधानमंत्री बनना है और न हमें मुख्यमंत्री, हम जहां हैं वहां खुश हैं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करके ही खुश हैं। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने आज विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्लीज बजट मत रोकिए, दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर अगले एक साल तक पूरी तरह से रोक लगा दिया है। बता दें कि इसको लेकर खाद्य संरक्षा आयुक्त सिंथिल कुमार ने आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने अगले एक साल तक गुटखा पान मसाला की बिक्री और भंडारण को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पूरा भारत मानते। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री भारत के एक नागरिक है, संपूर्ण भारत नहीं। बीजेपी और आरएसएस वाले भूल गए हैं कि देश में 140 करोड़ लोग हैं, वे बीजेपी या आरएसएस नहीं है। बीजेपी आरएसएस यानी प्रधानमंत्री की आलोचना करना या उन पर हमला करना भारत पर हमला नहीं है। पुलिस सेवा में दरोगा और परिचारी की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शारीरिक ऊंचाई में सरकार छूट देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में संबंध में आश्वासन दिया है और कहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा को कम करने पर सरकार गौर करेगी। भारत में खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर अकाउंट सोमवार को ब्लॉक कर दिए गए। इन ब्लॉक अकाउंट्स में कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का ट्विटर अकाउंट भी शामिल है। दरअसल खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर विरोध के बाद अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इस साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। साइंस में आयुषी नंदन ने 94.8% के साथ टॉप किया है। आज हिस्ट्री में मोहित देसा ने 95% के साथ पहला स्थान हासिल किया और वही कॉमर्स में सौम्य और जगदीश कुमार पाठक 95% अंकों के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाले मामले में सूरत की अदालत 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील क्रिकेट पानवाला ने बताया कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। आरोप ये था कि राहुल ने अपने इस टिप्पणी के समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। दिल्ली बजट पर रोक लगाए जाने की वजह बताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार इतिहास में हो रहा है जब किसी सरकार का बजट रोक दिया गया है। भारतीय बैंकों की मजबूती और अमेरिकी बैंकों के खोखलेपन के यह खुलासे भारतीय स्टेट बैंक को जारी ताजा रिपोर्ट इको रैप में सोमवार को किए गए। कहा गया है कि भारतीय बैंकों में जमा लोगों का पैसा अमेरिकी बैंकों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। भारतीय अमेरिकी निशा देसाई बिस्वाल अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की डिप्टी सीईओ बन सकती है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकी निशा देसाई बिस्वाल को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक शीर्ष प्रशासनिक पद पर नामित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट के लिए IRCTC के भारत गौरव ट्रेन का उद्घाटन किया। देश की धार्मिक धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक नजारों को यात्रियों को दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने ये पहल की। ये ट्रेन यात्रियों के साथ साथ लेकर उनके सेलेक्ट किए हुए पैकेज के तहत जगह जगह की यात्रा करवाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत अगर चाहे तो हमारे चटगांव और सिल्वर बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया फाउंडेशन के राम माधव ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक प्रगति की सराहना भी की है।
केंद्र सरकार में 155.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह जानकारी दी। मार्च 2023 तक के आंकड़े रखते हुए उन्होंने बताया है कि यह कर्ज फिलहाल देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में 57.3% के बराबर है। हालांकि इसमें से विदेशी कर्ज सिर्फ 7.03 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी के 2.6% के करीब है। खालिस्तानी समर्थकों की ओर से की गई इस तोड़फोड़ का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी राजदूतावास के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक में यह साफ तौर पर कहा गया है कि राजनयिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा एवं संरक्षण अमेरिकी सरकार का बुनियादी दायित्व है। वहां यह भी कहा गया है कि इस मामले में ऐसे कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। आज यानी मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी पड़ेगी, वह हमेशा देश को बदनाम करते हैं, वर्तमान में भारतीय राजनीति के मीर जाफर हैं। उन्होंने देश का अपमान किया और विदेशी शक्ति को देश में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। यह कांग्रेस और राहुल गांधी की लगातार साजिश है। संसद में उनकी भागीदारी सबसे कम है और उनका कहना है कि कोई उन्हें बोलने नहीं देता। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। यह सनसनीखेज खुलासा पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ है। अमृतपाल नशा छुड़ाने के अभियान धर्म प्रचार और अमृतपान के नाम पर युवाओं को इकट्ठा कर रहा था। नशा छुड़ाओ केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि जरूरत पड़ने पर वह जान देने को भी तैयार हो जाए। उन पर भावनात्मक प्रभाव डाला जा रहा था। इन्हीं के सहारे वह आनंदपुर खालसा फौज खड़ी कर रहा था। आज 21 मार्च को मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की 107वीं जयंती मनाई जा रही है। आज भी जब जिक्र सहनाई का होता है तो दिलो दिमाग में सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्ला खान का ही चेहरा घूमता है। बता दें कि वे बनारस के पवित्र विश्वनाथ मंदिर में अधिकृत सहनाई वादक थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल 339 मूल्यांकन आदेश जारी किए गए, जिनमें काला धन पर 13,566 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि इनमें से 183 मूल्यांकन आदेश अकेले 2021-22 में जारी हुए हैं। इस दौरान कुल 5,350 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सरकार किसानों को जमीन के हिसाब से फर्टिलाइजर आवंटन करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर एक नया प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत केंद्र उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाना चाहती है। खास बात यह है कि देश के 7 जिले में केंद्र इस नए प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करेगी। किसानों के लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उनको सब्सिडाइज दर पर खाद दी जाएगी। कहा जा रहा है कि उर्वरक सब्सिडी बोझ को घटाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता कार्यक्रमों के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में संघ गांवों और शहरों में सामूहिक पूजन व शिव मंदिरों में जलाभिषेक सफाई कर्मियों का सम्मान और उनके बीच जल पान जैसे आयोजन करने जा रहे हैं। इससे दलित समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ेगा और इनके बीच संघ भी अपना दायरा बढ़ाएगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर वैज्ञानिकों ने आखिरी चेतावनी जारी की। जलवायु परिवर्तन पर एक नई स्टडी के हवाले से वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब पृथ्वी ऐसे स्थिति में पहुंचने वाली है जिसके बाद जलवायु को हुए नुकसान को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन से भविष्य में होने वाले डैमेज को रोकने का एक आखिरी मौका अब भी बचा है। यूएन महासचिव एंटोनिया गुटेरस ने इस संकट को टाइम बम करार देते हुए गंभीर चिंता जाहिर की है। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब के फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए जिस कारण उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लेकर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस, पंजाब और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा काम सराहनीय है। देश विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारत के झंडे पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई की जरूरत थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक ईमेल में मौत की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सलमान खान को बाहरी सभाओं से बचने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही उनके परिवार ने भी एक्टर को कुछ समय के लिए सभी बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। दक्षिण कोरिया की बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग ने भारत के स्मार्टफोन और टेक क्षेत्र को लेकर एक अहम बयान दिया है। विश्व की बड़ी स्मार्टफोन निर्माता और टेक कंपनी सैमसंग के ग्लोबल प्रेसिडेंट टीएम रो ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूरोप के कई देश और अमेरिका
आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। वही भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। इस कारण देश में नए निवेश, प्रोडक्ट्स और नौकरियां की कमी नहीं है। कुछ ही दिनों बाद साल का चौथा महीना अप्रैल शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2023 में केवल 15 दिन ऐसे हैं जब सप्ताहांत सहित बैंक अवकाश के कारण कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के दिए दिशा निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2023 में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार सहित कुल 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। रविवार को सिद्धू मूसेवाला की बरसी थी, इसलिए पंजाब के मानसा में लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी थी। दरअसल जब इस कार्यक्रम में सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर स्टेज पर आई, तब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। स्टेज से चरण कौर ने कहा है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपना देश आजाद है या गुलाम। तभी लोगों की भीड़ से जवाब आया कि गुलाम है। इसके बाद ही यहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। स्टेज से किसी ने भीड़ को नहीं रोका और न ही भीड़ से किसी तरह का कोई विरोध हुआ। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है एचके मल्होत्रा, अभिषेक राज, आर्य सहनवाज, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी सैफुल्ला, अमन कुमार, रविंद्र कुमार, एमडी साकिर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, कुमारी संजना, जितेंद्र ठाकुर और संजय चौधरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।